नमस्कार सभी वेली भाई बहनों को। आज जो हमारा सीरीज ऑफ डिस्कशन है ऑन डिजी पे विद ऑल आवर सीसी वेली, इन कंटिन्यूएशन ऑफ दैट वी हैव ऑर्गेनाइज्ड दिस फेसबुक लाइव सेशन फॉर टुडे। तो आज अभी हम लोग बातें करेंगे, हम अभी क्या कर रहे हैं, कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, पिछले कुछ टाइम से हमारे कुछ कुछ इश्यूज आ रहे हैं एंड वी आर वर्किंग ऑन दैट। दोज इश्यूज आर बिकॉज ऑफ सम कंप्लायंस रिलेटेड मूवमेंट विच वी हैव डन इन रिसेंट पास्ट, सो दैट इज सपोज टू बी रिजॉल्व बाई दिस सैटरडे। बाई दिस सैटरडे इवनिंग एवरीथिंग विल बी रिजॉल्व एंड बाई संडे मंडे वी कैन एक्सपेक्ट दैट फंक्शन विल अगेन वर्क लाइक इट वर वर्किंग अर्लियर। सो देर इज नथिंग टू वरी अबाउट, वी अंडरस्टैंड यू हैव फेस्ड इश्यूज और जो भी इश्यूज फेस किया आपने, हम लोग उसको इमिडिएटली रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं, यहाँ से उसको कर रहे हैं। जो कुछ पेंडिंग है बाय दिस वीकेंड दैट विल बी रिजॉल्व एंड एनीथिंग व्हिच इज स्टक इन द सिस्टम विल बी रिफंडेड बैक टू द वीएलईज। सो दैट इज द अपडेट विच वॉज देयर। जो इश्यूज आ रहे थे उस पर भी हम लोग काम करके आपको बताया कि उस पर हम लोग रिजॉल्व करके आपको जो रिफंड पेंडिंग है वो करेंगे। इसके अलावा हम लोग जो आपको कंप्लायंस का कुछ बता रहे थे, कुछ कुछ कंप्लायंस है जो इंडस्ट्री में जो रेगुलेटर है उसके गाइडलाइंस के हिसाब से करनी होती है, वो हमने किया है और उसकी वजह से थोड़ा सा हमारा फ्रिक्शन रहा है, थोड़ा सा डिस्टर्ब रहा है ट्रांजेक्शन, वो स्मूथ हो जाएगा मंडे ऑनवर्ड से। सो ये कंप्लायंस है, ये सभी ऑर्गेनाइजेशन को करनी पड़ती है, सभी बैंक को करना पड़ता है। दूसरा, ये सभी इनफैक्ट अभी सभी जो पार्टनर्स हैं जो बैंक्स के या बैंक्स हैं वो सभी करेंगे अभी, तो सबके यहाँ ये कुछ ना कुछ चैलेंजेस रहेंगे। तो ये केवल डिजी पे या सीसी पे नहीं, द ओनली थिंग इज दैट वी डू डिड इट फर्स्ट, तो इसलिए ये लग रहा होगा। दूसरा, अभी एक और चैलेंज आने वाला है एक्सएमएल माइग्रेशन का। एक्सएमएल माइग्रेशन क्या है? एक प्लेटफॉर्म है जिसपे एपीएस ट्रांजेक्शन होती है, अभी आईएसओ पे होती थी, अभी एक्सएमएल पे होती है। सभी बैंक शिफ्ट कर रहे हैं, तो जब जब बैंक शिफ्ट करेंगे 2-3 दिन के लिए उनकी ट्रांजेक्शन नहीं होगी। जैसे अभी कुछ सेंट्रल बैंक की शिफ्टिंग चल रही है, जैसे सेंट्रल बैंक की ट्रांजेक्शन सिस्टम में नहीं हो रही, वंस दे शिफ्ट टू द न्यू प्लेटफॉर्म ट्रांजेक्शन रिज्यूम हो जाएगी। तो इसी तरह अभी ये रहने वाली है अगले 1 महीने तक, डीजीपी में नहीं इंडस्ट्री में रहेगी। जो जो बैंक शिफ्ट होंगे उन बैंक की ट्रांजेक्शन में या तो प्रॉब्लम आएगी या तो होगी नहीं, तो इसके लिए प्लीज आप तैयार रहें। ये डिजी पे रिलेटेड कोई इश्यू नहीं है, ये कुछ मूवमेंट कुछ मेजर चेंजेज हो रहे हैं एपीएस प्लेटफॉर्म को लेके पूरे इंडस्ट्री में, तो उससे थोड़ा थोड़ा एपीएस अफेक्टेड रहेगा। तो उसके लिए जो हम लोग आपको बार बार बोलते हैं कि हमें एक कुछ बैकअप प्लान होना चाहिए, तो वो जैसा कि हमने कई बार अनाउंस किया है कि हमारा जो पिन पैड है, जो माइक्रो एटीएम है, उसको अगर आप बैकअप में रखते हैं, लोगों को बताते हैं कि एपीएस ट्रांजेक्शन नहीं हो रही है तो वो लोग कार्ड से भी कर सकते हैं। तो ये अपना सभी लोग माइक्रो एटीएम को एज अ बैकअप रख लें और उस बैकअप से ट्रांजैक्शन, कोई भी कस्टमर आए अगर एपीएस में कुछ प्रॉब्लम आती है, कुछ डिसरप्शन है उस दिन, तो माइक्रो एटीएम से ट्रांजैक्शन कर दें और कस्टमर को बिना ट्रांजैक्शन होके नहीं जाना पड़ेगा। तो इसका सभी लोग ध्यान करें और ध्यान रखें और उसी हिसाब से अपनी तैयारी रखें ताकि आपका बिजनेस डिसरप्ट ना हो। स्टार्ट करते हैं। हम लोग आज जो बात करेंगे, जिसके लिए आज हमने एक सेशन रखा था, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस जो मार्केट में चल रही है, ये हमने पिछली बार भी डिस्कस किया था, जस्ट टू रिफ्रेश योर मेमोरी, ये हमने फिर से करने की कोशिश करी है। और जो चैलेंजेस है जैसा कि मैंने बताया, यही चैलेंजेस हैं जिसकी वजह से थोड़ा सा हमारा डिस्ट्रप्शन आया पिछले 8-10 दिन से, जो कि सैटरडे संडे तक वी आर ट्राइंग टू रिजॉल्व एवरीथिंग ताकि मंडे से ये बिल्कुल स्मूथ हो जाए सिस्टम। सो अभी आप कमेंट सेक्शन में जो भी आपके है, जो आपको कुछ प्रॉब्लम है या कुछ जानकारी चाहते हैं या किसी तरह का कोई कंफ्यूजन है, तो हमारी टीम है जो आपको इस पे आपको जवाब देगी। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप उस पर डालते जाएं। अभी जो सर्विसेज हैं, जैसा कि हमने पिछली बार बताया था, कैश डिपॉजिट है
आयरिश ट्रांजेक्शन एनेबल कर दी हमने डिजी पे में। डीएमटी भी चल रहा है, माइक्रो एटीएम जैसा कि मैंने बताया माइक्रो एटीएम कर रहे हैं, और एक बैकअप की तरह हमने रखा था कि अगर एईपीएस में कोई प्रॉब्लम आती है तो जब बैकअप हम माइक्रो एटीएम साथ पर रखें। तीसरा, ये पांचवा जो है वॉलेट टॉपअप, जो डिजिटल सेवा पोर्टल का वॉलेट टॉपअप है वो आप डिजी पे के माध्यम से कर सकते हैं। अगर आप ट्रांजैक्शन करते हैं आपके डिजी पे लेजर में बैलेंस है तो उस बैलेंस को यूज करके आप अपना वॉलेट टॉपअप करते हैं। अगर वो डिजिटल सेवा प्लेटफॉर्म पे जाके किसी पेमेंट एग्रीगेटेड प्लेटफॉर्म पे टॉपअप करते हैं कुछ चार्जेस लगते हैं आपको, और उसमें फेलियर भी होता है क्योंकि जो मर्चेंट है उसके यहाँ कितना ट्रैफिक है और कैसे कर रहे हैं तो होता है, और रिफंड भी जब मर्चेंट चाहता है तो हम आपको कर पाते हैं। तो ये जो डिजी पे से वॉलेट टॉपअप है इट इज एंटायरली इन टू आर कंट्रोल। आप इसको यूज करके अगर डिजिटल सेवा पोर्टल का टॉपअप करते हैं तो इससे जो फेल्योर चांसेस है नेग्लिजिबल है। कुछ हो सकता है कनेक्टिविटी फेल्योर ऐसा कुछ होता है, अगर मैसेज हमें मिल जाता है आपका वॉलेट डेबिट हो जाता है तो हम लोग बैकएंड पे ऑटो डेबिट आपका ऑटो क्रेडिट डिजिटल सेवा पोर्टल का कर देते हैं। तो इसमें फेल्योर नहीं होती है, अगर कुछ कनेक्टिविटी की वजह से है तो वो थोड़ा डिले हो सकता है एक आध दिन का, पर उसमें फेल्योर नेग्लिजिबल है। आज हम बात करेंगे सीएससी पे पॉइंट, जैसा कि हमारी स्टेट टीम ने आपको कम्युनिकेट किया होगा हम लोग इस पे कर रहे हैं सीएससी पे पॉइंट का। देखिए क्या है, हमारे बहुत सारे जो वीएलईज हैं काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, हमने रिकॉग्नाइज भी किया बहुत लोगों को, और अभी हम भी और भी ये इंसेंटिव रिवार्ड ये सब जो एक लेके फिर से आएंगे। पर क्या होता है कि हमने जो देखा है हम मार्केट में हमारी कोई ब्रांडिंग वहां पे नहीं है, किसी को पता नहीं कि यहाँ पे ये सीएससी का कोई फाइनेंशियल एक्सेस पॉइंट है जहाँ पे फाइनेंशियल सर्विसेज जो अवेल की जाती हैं या कोई भी बैंकिंग सुविधा यहाँ से मिल सकती है। तो अभी सरकार ने भी बहुत जगह ये हमारे जो डिजी पे पॉइंट है अपने जो जनधन दर्शक एक एप्लीकेशन है सरकार का जिसपे लोग जाके उस ऐप पे फाइंड आउट कर सकते हैं वीएलईज को और जो उतने बीसीज होते हैं, तो उसपे हम लोग अपडेट करते हैं जितने भी वीएलई डीजी पे में एक्टिव हैं। तो अगर आप लोग एक्टिव हैं और ब्रांडिंग ऐसा कुछ नहीं है तो आपका खुद का भी जो एक परसेप्शन है लोगों सरकार का कि सीएससी वीएलई बहुत बढ़िया काम करते हैं इसे सुविधाएं देते हैं वो अच्छा नहीं होगा। तो इसलिए ब्रांडिंग प्रॉपर जो हम लोग बार बार बताते हैं कि आपको किस तरह का अरेंजमेंट रखना चाहिए अपने सेंटर में, किस तरह की कॉन्फिडेंशियलिटी रखनी चाहिए कस्टमर की, वो सब चीजें बहुत जरूरी है क्योंकि अब गवर्नमेंट भी सीएससी की तरफ देख रही है कि सीएससी एज ए नेटवर्क फाइनेंशियल सर्विसेज गाँव में देने के लिए एक सक्षम नेटवर्क है, एक कैपेबल नेटवर्क है और इसका यूटिलाइजेशन हो। तो इसलिए आप हम लोग चाहते हैं कि सभी सीएससी जो डीजी पे कर रहे हैं वो सीएससी पे पॉइंट जो बैनर आप देख रहे हैं इसमें सभी को हमने सर्कुलेट किया हुआ है अपने स्टेट टीम से करके, इसका फाइल लेके एक बैनर बना के अपने सेंटर पे जरूर लगे ताकि ब्रांडिंग दिखे कि यहाँ पे सीएससी का फाइनेंशियल एक्सेस पॉइंट है, डीजी पे यहाँ पे चलता है। अब इसमें जो सर्विसेज हैं आप तो डीजी पे की जानते हैं, सीएससी पे पॉइंट के लिए जरूरी चीजें क्या है, जो ब्रांडिंग की बात करी मैंने सेंटर पे एक ब्रांडिंग होनी चाहिए, एईपीएस आपके पास है, माइक्रो एटीएम आपकी जो मशीन है कार्ड मशीन होनी चाहिए ताकि अगर कोई ट्रांजेक्शन करने आता है तो आपके पास दोनों ऑप्शन अवेलेबल हो, आयरिस आयरिस हो। आयरिस में इसलिए हम कहते हैं कि फिंगरप्रिंट में ऑथेंटिकेशन रेट थोड़ा कम है एज कम्पेयर टू आयरिस, स्पेशली गांव में जो खेतों में काम करते हैं जो लोग हमारे जो किसान हैं या डेली वेजर्स हैं जो काम करते हैं, छोटे छोटे जो बिजनेस यूनिट्स हैं गांव में जैसे ईंट के भट्टे हैं तो उनकी मिनीशियस मिट जाती हैं, उनके जो हाथ की जो रेखाएं होती हैं मिट जाती हैं जो कि जब ऑथेंटिकेशन में फेल्योर का रीजन होती है, फेल हो जाती है ट्रांजेक्शन क्योंकि ऑथेंटिकेशन नहीं हो पाता। तो इसलिए आयरिस एक बहुत अच्छा ऑप्शन है क्योंकि आंखें तो जैसी हैं वो रहेंगी, और जो आयरिस आपका कैप्चर करता है जो मशीन होती है आयरिस मशीन, और उसमें ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल रेट जो ऑथेंटिकेशन का सक्सेसफुल रेट है बहुत ज्यादा है। तो हम एडवाइस करते हैं सभी वीएलईज को कि अपने यहाँ आयरिस भी रखें जो पे पॉइंट्स है। प्रिंटर अभी आपने देखा होगा थर्मल प्रिंटर हम लोग ने किया था बहुत नॉमिनल कॉस्ट पे, मार्केट से बहुत सस्ता हमने ढूंढ के ले आके और हमने उसको किया था, उसको भी आप लोग यूज करें, उसमें प्रिंटिंग बहुत सस्ती होती है एज कम्पेयर टू नॉर्मल प्रिंटर। तो उसको यूज करके प्रिंट रिसीप्ट जरूर दें, जैसे कि डिस्प्यूट्स होते हैं आपके, कोई कस्टमर है बोला कि ट्रांजेक्शन करी मैंने और नहीं आया,
बैंक में जाता है, बैंक में कहता है कि ट्रांजेक्शन की पैसे कट गए मेरे अकाउंट से, पर वहां तो फेल था सीसी पे या डीजी पे वाले एप्लीकेशन पे, तो बैंक कहता है कि नहीं हमें नहीं मालूम आप जाओ। तो वो रिसीप्ट जो है वो रिसीप्ट उस केस में काम आती है कि ये रिसीप्ट है ये देखिए आप चेक करिए। तो रिसीप्ट जरूर दें, प्रैक्टिस बनाएंगे कस्टमर को रिसीप्ट जरूर दें, और अगर आप सस्ता जो उपाय है रिसीप्ट देने का वो ये प्रिंटर है जो थर्मल प्रिंटर जो हम लोग अपने उस पर जो हमारा ईस्ट वेली बाजार है वहाँ पे डाला हुआ है, उसका लिंक भी आपको हम लोग बार बार देते रहते हैं, तो ये उसका इस्तेमाल करें, आप उस प्रिंट प्रिंट दें ट्रांजेक्शन का, ताकि एक एक एविडेंस रहेगा ट्रांजेक्शन का। चैलेंजेस जैसे मैंने बताया कि अभी बहुत सारी कंप्लायंस एक्टिविटी चल रही है एईपीएस ट्रांजेक्शन में, एईपीएस जो प्लेटफॉर्म्स हैं बैंक्स के हों चाहे हमारे हो, तो अभी तो एक होता है कि सर्वर्स पे करना कि अल्टरनेटिव सर्वर्स कौन से हैं वहाँ पे जाना, शिफ्टिंग करना, तो वो भी कंप्लायंस का पार्ट होता है, वो हमने जो किया है अभी। दूसरा फिर वापस हम अपने जो मेन सर्वर पे जाएंगे तो ट्रांजेक्शन स्मूथ हो जाएंगी। दूसरा अभी एक्सएमएल पे सारे वो जा रहे हैं क्योंकि ट्रांजेक्शन भी बहुत बढ़ गई हैं, जो पुराना प्लेटफॉर्म था उस पर ट्रांजेक्शन साइज बहुत बड़ा होता था इसलिए ट्रांजेक्शन स्लो होती थी। तो जो रेगुलेटर है जो एजेंसीज हैं जो इस ट्रांजेक्शन का प्लेटफॉर्म मैनेज करती हैं उन्होंने नया एक फॉर्मेट निकाला एक्सएमएल जिसपे कि सभी बैंक्स को जाना है सो दैट ज़्यादा ट्रांजेक्शन भी कम बैंडविथ में हो पाए, तो इसलिए फेल्योर कम होगा, तो इसलिए सभी बैंक्स को फिर मूव करना है, बारी बारी सभी बैंक्स जाएंगे तो उसमें 1.5-2 महीना डिसरप्शन रहने वाला, जो भी बैंक जाए उसकी ट्रांजेक्शन या तो नहीं होंगी, होंगी तो उसमें डिसरप्शन रहेगा, ट्रांजेक्शन फेल हो सकती है, ट्रांजेक्शन फंस सकती है ना, तो उसका एक बार जरूर इसका ध्यान रखते हुए अपना अल्टरनेटिव अरेंजमेंट बना के जरूर रखें, जैसा कि मैंने बताया कि कार्ड की ट्रांजेक्शन है, कार्ड की ट्रांजेक्शन को प्रमोट करें, बताएं लोगों के कि आपके यहाँ ये फंक्शनलिटी अवेलेबल है। जनधन योजना में लोगों को जो डेबिट कार्ड मिले थे वो डेबिट कार्ड फिर से अगर लोग इश्यू करा सकते हैं तो वो कर लें, ताकि उनका कार्ड से भी ट्रांजेक्शन हो सके। अभी कुछ जो चैलेंज है मंथली ट्रांजेक्शन लिमिट की है, जो कि बैंक्स लगा देते हैं इस महीने में हमारा कस्टमर इतनी ट्रांजेक्शन करेगा, उसमें बैलेंस इंक्वायरी सक्सेसफुल बैलेंस इंक्वायरी भी कर ली तो उसको भी काउंट कर लेते हैं, तो उसको हमने गवर्नमेंट को रिप्रेजेंटेशन दिया है, वो अगर मान जाती है गवर्नमेंट को भी समझ में आया कि ये गलत है, अब वो बैंक्स का एक कंसल्टेटिव मीटिंग करने वाला डिसाइड होता है, तो ये कुछ हमें रिलैक्सेशन मिलेगा और ट्रांजेक्शन हो पाएंगी। अभी हमने कैश डिपॉजिट जैसा कि पिछली बार बताया था हमने कैश डिपॉजिट लाइव कर दिया, कुछ बैंक्स आए थे बट कुछ रिकंसिलेशन इश्यू है, जो भी उनका टेक्निकल बग था सभी टेस्टिंग में थे पायलट फेज में, तो सारे एक एक करके वापस चले गए क्योंकि उनको अपना सेटल करना था, वापस से फिर बैंक्स आ रहे हैं, गवर्नमेंट ने भी सभी बैंक्स को मैंडेटरी किया कि अपने डिपॉजिट ट्रांजेक्शन एनेबल करें, तो डिपॉजिट ट्रांजेक्शन भी एनेबल किया जा रहा है सिस्टम में और काफी बैंक्स वापस आ गए हैं। अभी बैंक्स की लिस्ट हम नेक्स्ट स्लाइड में दिखाएंगे आपको, उन बैंक की ट्रांजेक्शन हमारे यहाँ होने लग गई है, तो उन बैंक्स के कस्टमर का डिपॉजिट ट्रांजेक्शन भी कर सकते हैं। जब भी कोई ट्रांजेक्शन करते हैं डिपॉजिट के आपको सक्सेसफुल मैसेज मिलता है आपकी स्क्रीन पे, तो कैश जरूर ले लें भले कस्टमर के बैंक में होता है नहीं होता है, कभी कभी बैंक का सर्वर डाउन हो कस्टमर का तो उस केस में वो थोड़ी देर बाद डिपॉजिट करता है वो बैंक अपने कस्टमर के अकाउंट में जब रिकनसाइल करता है, तो इसलिए आप कैश जरूर ले लें, और अगर फेल भी होता है तो आपके कस्टमर आएगा फेल मैसेज आपको मिल ही जाएगा, अगर फेल आएगा तो उस केस में आप वापस भी कर सकते हैं, बट अप्रोप्रिएट और आपके लिए सेफ यही रहेगा कि आप कैश जरूर ले लें और कस्टमर बता दें कि थोड़ी देर वेट कर लें या दिन भर वेट कर लें ताकि उनका पैसा आ जाए, नहीं आता है तो आप हमेशा हमारा सिस्टम अवेलेबल है, नेक्स्ट डे 11 बजे के आसपास हमें भी कंफर्मेशन मिल जाती है सारी ट्रांजेक्शंस की कौन सी फेल सक्सेस है, जो कि अनआइडेंटिफाइड रहती है उसका स्टेटस पता नहीं होता है, तो हम आपको भी बता सकते हैं कि इस ट्रांजेक्शन का क्या हुआ है। अभी ये जो लिस्ट आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा ये बैंक्स है, मेजर बैंक्स में आपका कुछ ग्रामीण बैंक है, उड़ीसा का ग्रामीण बैंक है, क्यूटास बैंक है, चैतन्य गोदावरी बैंक है, पंजाब एंड सिंध बैंक है, यूनियन बैंक की ट्रांजेक्शन हो रही हैं, तेलंगाना ग्रामीण बैंक है, आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, कर्नाटका बैंक है, सिटी यूनियन बैंक है, जम्मू एंड कश्मीर बैंक है, फिनो पेमेंट्स बैंक है, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है और एयरटेल पेमेंट बैंक है, जिनकी ट्रांजेक्शन हो रही है। जो 23 की लिस्ट हमने बताई 24 की,
उसमें ये 15 बैंक है जिनकी ट्रांजेक्शन हमारे सिस्टम में हो रही है, हमें दिख रहा है वो। हमने तो सबको एनेबल कर रखा है, 23 को एनेबल, 24 जितने भी उनको एनेबल कर रखा है, सबकी ट्रांजेक्शन हो सकती है, बट इन 15 बैंक जो ट्रांजेक्शन में डिपॉजिट ट्रांजेक्शन एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो इन बैंक से कस्टमर को आप डिपॉजिट की सर्विस दे सकते हैं। एक चीज और बताना चाहूंगा कि जब आप ट्रांजैक्शन करते हैं डिपॉजिट में, अभी डिपॉजिट उतना स्टेबल नहीं है, तो आप भी थोड़ा ध्यान से करें, अगर आपको फेलियर ज्यादा आ रहा है थोड़े दिन वेट कर लें, उसके बाद स्टार्ट करें तो ट्रांजैक्शन होगी। कुछ अभी जैसे कुछ कुछ बैंक में जैसे तुरंत पैसे नहीं जाते हैं, तो रिकन्सिलिएशन इश्यूज भी हैं कुछ बैंक में, तो वो थोड़े दिन पैसा, वो ऐसा नहीं कि वो फंस जाता है, पैसा बैंक से 1-2 दिन बाद जब रिकनसाइल करते हैं अपनी वो ट्रांजेक्शन, तब कस्टमर अकाउंट में क्रेडिट करते, तो ये थोड़ा चैलेंज है, ये ठीक हो जाएगा। अब जैसे फ्रॉडलेंट ट्रांजेक्शन है, फ्रॉडलेंट ट्रांजेक्शन कैसे अवॉइड करें, कैसे बचें, तो इसके लिए अभी हमने देखा है बहुत सारे चार्जबैक्स आते हैं, जिसमें कुछ जगह कुछ लोग मिलके एक अपना एक गिरोह सा बनाया है, एक गैंग सा बनाया है, जिसमें वो लोग कहीं ना कहीं से कस्टमर का आधार कैप्चर करके और अपना बायोमेट्रिक अपडेट करके ट्रांजैक्शन करते हैं, और उसमें क्या होता है, चार्जबैक्स आते हैं और हमारे वेली नेगेटिव फ्रॉडलेंट लिस्ट में चले जाते हैं एनपीसीआई के, तो वो बिना गलती के एक तरह का एक डिस्क्रेडिट है हमारे वेली के लिए। तो उसके लिए एक सबसे अप्रोप्रिएट तरीका है, जब भी किसी का ट्रांजेक्शन करें उसको बोले कि अपना आधार आप दिखाओ, बिना आधार आपको लेना नहीं, बट देखना है कि उसकी फोटो उसमें मैच कर रही है कि नहीं कस्टमर की, तो बिना उसके, जिसको आप जानते हैं ठीक है, पर कोई अननोन कस्टमर आता बिना आधार का, उसका आइडेंटिफिकेशन किए, उसको पहचाने, उसकी फोटो आइडेंटिफाई किए, आप ट्रांजेक्शन मत करें, मना कर दें ऐसे कस्टमर्स को। इसमें अगर उसने कुछ डिस्प्यूट करा, किसी का ऐसा किया हुआ है, तो आपको बार चार्जबैक्स आएंगे, आपसे बैंक्स रिकवरी कर सकते हैं, इसका हमेशा ध्यान रखें। दूसरा, आप जब भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो जैसा हमने बार बार बताया, पहले भी बताया, अपना रजिस्टर खुद का जरूर मेंटेन करें, जिसमें कि कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन जैसे आधार इन सब की इन्फॉर्मेशन मत लें, बट कस्टमर का नाम, नंबर, ये सब चीजें लें, ताकि कोई डिस्प्यूट, किसी तरह का ट्रांजेक्शन जिसका डिलेड रिस्पॉन्स है, बाद में आता है आपको, तो उनको फोन करके बता सकें, और उनका कैश अगर हैंड विड्रॉल किया है तो उसको कैश हैंड ओवर कर सकें, डिपॉजिट है तो उसको बता सकें कि आपका ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो गया है, आप चेक कर सकते हैं। तो ऐसी चीजें, ऐसी प्रैक्टिस जरूर फॉलो करें। सिग्नेचर जरूर लें कस्टमर से, एक्सेप्टेंस की उसने ट्रांजैक्शन किया है। अभी मैंने देखा कुछ वेली हमारे जिन्होंने अपने सेंटर में सीसीटीवी कैमरे भी लगा रखे हैं, उनके यहाँ डिस्प्यूट आए तो उन्होंने प्रूफ दिया, और उसमें फिर कस्टमर का जो था इंटेंशनली जो उसने किया था ऐसा कि डिस्प्यूट रेज कर दूंगा और मुझे मिल जाएगा पैसा, वो बच गया हमारा वेली। तो इसी तरह आप भी करें, अगर आप कर सकते हैं, आप अगर उसमें समर्थ हैं, तो अपने सेंटर में सीसीटीवी कैमरा जरूर लाएं, ताकि ऐसे जो लोग हैं जो डिलीबरेट फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शन करते हैं या सिस्टम को अब्यूज करते हैं, उनको हम लोग पकड़ सके, उनका आइडेंटिफाई कर सके, और उनके अगेंस्ट भी हम एक्शन ले सके, लीगल एक्शन, या आप ही ले सके, पुलिस में भी ऐसा है तो आप बोले ऐसे लोग करते हैं तो। अच्छा, कभी भी एक भी ट्रांजेक्शन बिना कस्टमर वेरिफिकेशन के, जैसा कि मैंने बताया, मत करें उसको, उसका फेस आइडेंटिफिकेशन जरूर करें कि वो जो कार्ड पे दिख रहा फेस वो ही व्यक्ति है जो ट्रांजेक्शन आपके यहाँ कर रहा है। अभी डीएमटी में कुछ इश्यूज थे, आप देखिए डीएमटी में कुछ लोगों के पैसे फंसे, हमें पता है, कुछ बैंक की कंप्लाइंसेज की वजह से हम लोग भी उसमें थोड़े असमर्थ थे कि हम लोग कर पाए, तो अभी हमने एक क्या है, एक डिसीजन लिया है अपने, हमने रिस्क लिया है कि हम अपने सभी वेरीज का, जैसा जिनका ऐसा फंसा हुआ बहुत टाइम जो पैसा, उनका हम रिफंड करेंगे और बैंक से हम फिर अपना रिकवर करते रहेंगे वो पैसा, तो ये मंडे के पहले पहले हम कोशिश करेंगे कि सबका रिफंड हो जाए, तो ये जो आपकी प्रॉब्लम है, अगर कोई कस्टमर है जो आ रहा है तो आपकी ये परेशानी दूर करते हैं, पर सिस्टम जो कंप्लायंस है उसकी तरीके से करेंगे बहुत टाइम लगेगा। ये सीसी में हम लोग अपने रिस्क पे ये आपका जो जो भी रिफंड है वो इनिशिएट करके हम आपको दे देंगे। एक अभी माइक्रो एटीएम का हम लोग विंडोज वर्जन पे भी काम कर रहे थे, वो भी अब जो नया वर्जन आएगा
उसमें हम डेस्कटॉप पे भी, जो लैपटॉप पे जो वर्जन है विंडोज का, उस पे ये माइक्रो एटीएम का भी चला देंगे। हमारे बहुत सारे वीरीज की एक डिमांड थी कि वो विंडो अपना लैपटॉप पे ही डिजीपे चलाते हैं, तो वो लोग फिर माइक्रो एटीएम से ट्रांजैक्शन लैपटॉप पे भी कर पाएंगे। सो माइक्रो एटीएम की सर्विस, ये आपको सभी वीरीज को पता ही होगी, माइक्रो एटीएम कहाँ से ऑर्डर करना है। 2100 रुपीज में आप माइक्रो एटीएम ऑर्डर कर सकते हैं और उसका स्पेसिफिकेशन आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये वीएली बाजार से सीसी बाजार है, वहां पे जाके आप जो लिंक दिख रहा है स्क्रीन पे, उस लिंक पे जाके आप ये माइक्रो एटीएम ऑर्डर कर देंगे। एक हफ्ते के अंदर हम कोशिश करते हैं आपको पहुंच जाए। लॉजिस्टिकल डिपेंडेंस है, जो हमारी कुरियर पार्टनर्स है या पोस्ट है, तो अगर कोई ऐसा कुछ ज्योग्राफिकल चैलेंज नहीं है तो विद इन अ वीक, अभी जो हम लोग हमने देखा है, वी हैव एन रिसर्च कि एक हफ्ते में सभी वेलीज को ये मिल गई थी डिवाइसेस। सो आप, जैसा कि मैंने बताया, एईपीएस का एक बैकअप तैयार करिए ताकि आपके यहाँ ट्रांजेक्शन कोई आता है अगर एईपीएस नहीं, तो कार्ड से आप ट्रांजेक्शन कर पाए उसकी। तो माइक्रो एटीएम ट्रांजेक्शन का प्रोसेस फ्लो है ये। आप जो ऑर्डर करते हैं, पहले कैसे ऑर्डर करेंगे, एक्टिवेट करेंगे, तो वेली बाजार जो कि लिंक आपको दिखाया था, जो आप स्क्रीन पे देखते हैं ये लिंक दिख रहा है, इस लिंक से आप माइक्रो एटीएम ऑर्डर कर सकते हैं। आपको मिलने के बाद माइक्रो एटीएम सर्विस 2 ऐप आपको इंस्टॉल करना है अपने सिस्टम में, और अपने पिन पैड, जो माइक्रो एटीएम डिवाइस आपको मिली है उसको पिन पैड भी बोलते हैं, उस पिन पैड को अपने मोबाइल फोन से, अभी जैसा बताया कि मोबाइल फोन पे चल रहा है, आप मोबाइल फोन से उसको पेयर कर दीजिए थ्रू ब्लूटूथ। आपका जब लैपटॉप पे भी चल जाएगा आपका माइक्रो एटीएम, तो उस पे भी आप पेयर कर सकते हैं वायर से भी और ब्लूटूथ से भी। अब इसमें कौन कौन सी ट्रांजैक्शन होती है, उसमें अभी कार्ड से, एटीएम कार्ड से कैश विड्रॉल और बैलेंस इंक्वायरी, दो तरह की ट्रांजैक्शन आप कर सकते हैं। डूज एंड डोंट्स, आप सबको पता होगा क्या करना है, बहुत टाइम से सब लोग काम कर रहे हैं। जो नए लोग हैं उनके लिए मैं स्पेशली बताना चाहता हूँ कि क्या करना चाहिए। जब भी कोई ट्रांजैक्शन होती है कैश विड्रॉल की, तो आप कस्टमर को कैश उसको हैंड ओवर करेंगे और कोशिश करें कि सबको एक रिसीप्ट जरूर दें ताकि फ्यूचर डिस्प्यूट में वो आपके काम आए। जैसे हम कहीं मर्चेंट लोकेशन पे ट्रांजैक्शन करते हैं किसी मॉल में या किसी दुकान पे, तो दो स्लिप निकलती है, एक स्लिप आप वो दुकान वाला अपने पास रखता है, एक स्लिप आपको दे देता है। वैसे ही कोशिश करें आप भी दो स्लिप निकाल के अपने पास रखें अपने रिकॉर्ड के लिए, ताकि कोई इसमें डिस्प्यूट आता है तो आप उसको कायदे से हैंडल कर पाए। अपना डेली का जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड है वो रखें अपने रजिस्टर में, और उसमें कोई भी कॉन्फिडेंशियल जैसे पिन और कार्ड का नंबर ना रखें कस्टमर का, वो इलीगल है, अनएथिकल है, ऐसे काम नहीं करें। आप जो इंफॉर्मेशन है, ट्रांजैक्शन का रेफरेंस नंबर, कस्टमर का डिटेल जैसे कि उसका नाम और नंबर लिख लें, ताकि कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन उसको देनी तो आप दे पाए। जब भी आप माइक्रो एटीएम ऑर्डर करते हैं तो अपना नाम सही रखें, उसमें अपना पता सही रखें। बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि नाम और पता गलत होने या पिन कोड गलत होने से डिवाइसेस हमारे पास वापस आ जाती हैं, तो फिर उसमें हमें फोन करके पता करना पड़ता है, तो वो टाइम वेस्ट ना हो, आपको भी टाइम से मिल जाए। इसलिए जब डिवाइस ऑर्डर करते हैं आप जाके सीसी बाजार पे, तो अपना डिटेल सही दें, अपना पर्सनल डिटेल और एड्रेस वो आप सही से मेंशन करें, तो आपको डिलीवरी लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो माइक्रो एटीएम डिवाइस है, ये एक गाइडलाइन है, एटीएम गाइडलाइन जो आरबीआई की है, उस गाइडलाइन के अंदर इसमें कुछ सिक्योरिटी फीचर्स लगाए गए हैं, तो अगर आप इसको ध्यान से इस्तेमाल नहीं करते हैं, थोड़ा डेलिकेटली इस्तेमाल नहीं करते हैं, जैसे मान लिया किसी ने रफली कहीं फेंक दिया, गिर गया, फेंका मतलब कि कहीं तेजी से रख दिया, कहीं हाथ से छूट के गिर गया, तो इसमें एक सर्टेन लेवल ऑफ वाइब्रेशन पे डिवाइस अपने आप को टेम्पर कर लेती है, अपने आप को बंद कर देती है, डिवाइस अपने आप को लॉक कर देती है, कोई और मिसयूज ना कर पाए। जैसे एटीएम में कोई हथौड़ा मारे तो एटीएम मशीन भी ऐसे करती है, वो सेफ्टी के लिए होता है, सिक्योरिटी गाइडलाइंस है, वो कोई एरर नहीं होता डिवाइस में। और दूसरा, इस डिवाइस को आप कहीं और किसी और बैंक के एप्लीकेशन में, किसी और कंपनी के एप्लीकेशन में अगर कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो भी ये डिवाइस अपने आप को टैम्पर कर लेगी, कंसिडरिंग कि कोई फ्रॉडुलेंट काम करने की कोशिश कर रहा है, तो थोड़ा डेलिकेटली हैंडल करें और इसको कहीं मिसयूज ना करें, कहीं और किसी डिवाइस में, किसी दूसरी एप्लीकेशन में कनेक्ट करने की कोशिश ना करें।
तो आपको, और ये ऐसा प्रॉब्लम है जो फिजिकली होता है, रिमोटली नहीं होगा, तो आपको फिर वो डिवाइस भेजनी पड़ती है, हमारा जो डेस्टिनेशन लोकेशन मेंशन रहता है वहां पे, फिर वहां से वो रीसेट होके फिर आपके यहाँ जाती है, तो इस वजह से उसका थोड़ा ध्यान रखें। क्या नहीं करना है, अपनी खुद की आईडी से करिए, किसी और की आईडी से मंगाने की मत कोशिश करिए, क्योंकि जो मशीन जाती है माइक्रो एटीएम की, वो मैपिंग होके जाती है आईडी से और सारी डिटेल्स के साथ, तो अगर किसी और के साथ ऑर्डर करेंगे तो उसके ही से, जो किसी और के वेली आईडी से आपने ऑर्डर किया तो उसी के जो भी डिटेल है, वेली डिटेल, उससे ही ये मैप होगी और फिर आप उसको चेंज नहीं कर पाएंगे। कस्टमर का कार्ड नंबर और इमेज सेव ना करें, ये गलत है, ये इलीगल है, अनएथिकल है, ऐसे काम नहीं करें। किसी से पिन आप मत मांगे, कस्टमर कोई बोले पिन डालने के लिए मशीन में, आप खुद ना डालें। अगर ट्रांजैक्शन स्टेटस है, आपको ब्लैंक मिलता है, कोई स्टेटस नहीं मिला, तो आप 24 घंटे के लिए वेट करें, कस्टमर को बोले कि चार्जबैक रेज ना करे, आपको 24 घंटे के अंदर एक बार आके देख ले, चेक कर ले, अगर आपको वो आ सकता है। कभी कभी डेटा सिस्टम में कंजेशन कभी होता है, या नेटवर्क आपका आपका अगर कहीं वीक है, तो उस केस में कनेक्टिविटी ब्रेक हो जाती है, तो थोड़ी देर बाद जब रिफ्रेश होता है सर्वर, तब जाके ट्रांजैक्शन पोस्ट होती है आपके लेजर में, डीजीपी लेजर में। तो इसलिए तुरंत इसको ये ना माने कि ट्रांजैक्शन फेल हो गई या मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिला, मैं क्या करूं, थोड़ी देर जरूर वेट करें और उसका 24 घंटे का वेट करें, नहीं आता तभी आप कस्टमर को चार्जबैक रेज करें, या हमारे हेल्पलाइन पे बात करके उसका स्टेटस एक बार को जानने की कोशिश करें, या dgpay.cccloud.in पे भी उसका ट्रांजैक्शन नंबर डाल के आप उसका स्टेटस पता कर सकते हैं। अगर ट्रांजैक्शन आपको फेल्ड हुई है, डिक्लाइंड हो गई, आपको मैसेज क्लियर मिल गया कि फेल्ड है, तो फिर कस्टमर को पैसे ना दें, कस्टमर का अकाउंट से कट गया है तो भी ना दें, उसका बैंक उसको तुरंत रिफंड करेगा, तो इसका ध्यान रखें। आप किसी के प्रेशर में ना आए, आप अपने हिसाब से कस्टमर को समझा दें कि आपके यहाँ फेल आया, आपको पैसा नहीं मिला है, आपका बैंक ही आपको पैसा वापस करेगा। कोई सॉफ्टवेयर, एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर माइक्रो एटीएम पे ना डालने की कोशिश करें, नहीं तो ये अपने आप को फिर से वही जो बताया मैंने टैम्पर कर लेगी, जिससे आपको परेशानी होगी, आपको दोबारा भेजना पड़ेगा उसको ठीक करके, फिर हमें आगे आपको भेजना पड़ेगा। और अपनी डिवाइस किसी और को ना दें, नहीं तो मिसयूज होगा, तो उसके जिम्मेदार आप होंगे, इसलिए अपनी खुद की सेफ्टी के लिए डिवाइसेस किसी को ना दें। डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर, जैसा कि आपको बताया, 3 लेग में होता है। पहले आप रेमिटर को रजिस्टर करते हैं उसके मोबाइल से, उसका आप मोबाइल नंबर से उसका एक प्रोफाइल क्रिएट करते हैं, उसका नाम एड्रेस सब डालते हैं इसमें, और उसके वो जब रजिस्टर करते हैं उसको ओटीपी आती है, ओटीपी से वेरीफाई करके आप उस रिमिटर को रजिस्टर करते हैं, फिर रिमिटर को पूछते हैं कि आपको अभी ट्रांजेक्शन करना है, तो वो बताएगा हाँ, तो उसके बेनिफिशियरी को ऐड करते हैं, वो भी बेनिफिशियरी भी ओटीपी से ऑथेंटिकेट होगा कस्टमर के। ओटीपी ऑथेंटिकेशन को आप कभी उसको एक सिस्टम में कुछ ऐसा डिसरप्टिव फीचर ना ले, वो इसलिए होता है कि कस्टमर ने एक्सेप्ट किया है आपको ओटीपी देके कि ये जो डिटेल्स हैं वो सही है, तो वो आपकी आपके सेफ गार्ड के लिए है। ओटीपी से आप हमेशा उसमें बताएंगे कस्टमर के द्वारा दी गई वो इंफॉर्मेशन है। सो इंश्योर दैट यू डू रजिस्ट्रेशन विथ ओटीपी ओनली, कस्टमर को भी बताएं कि ये प्रोसेस है आपकी सेफ्टी के लिए, कहीं अगर मुझसे गलती हो गई तो नुकसान हम दोनों का हो सकता है, तो कस्टमर को इसके लिए थोड़ा सा अवेयर करें और उसका फिर रजिस्ट्रेशन करें। फिर आप मनी ट्रांसफर में जाते हैं, और अगर सेम डे अगर एक बार ओटीपी से वेरीफाई हो गया बेनिफिशियरी, तो आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अगली बार आता है तो आपको फिर एक बार ओटीपी से लॉग इन करके कस्टमर ऑथेंटिकेट करके ट्रांजैक्शन करनी पड़ती है, फिर आपको बार दो बार ओटीपी नहीं आएगी, एक ओटीपी से आपका ट्रांजैक्शन हो जाता है। सो डीएमटी में भी जैसा डिपॉजिट के मैं आपको डूज एंड डोंट्स बताए, आपको आपने हमेशा इंश्योर करें कि जो भी रिमिटर की या उसके बेनिफिशियरी की डिटेल आपने डाली है वो करेक्ट है, सही है। ओके, सो व्हाइल डूइंग डीएमटी ट्रांजैक्शन ऑलवेज इंश्योर दैट यू हैव एंटर करेक्ट डिटेल ऑफ द रिमिटर एंड द बेनिफिशियरी बिफोर कंप्लीटिंग ट्रांजैक्शन और सबमिटिंग द फॉर्म। ऑलवेज टेक कंफर्मेशन फ्रॉम द कस्टमर दैट whether that detail which he has given is correct or not, show him on the screen,
that these are the details, please check. Once he confirms, so then only submit the form and register remitter and beneficiary. When you are doing transaction, always enter correct amount. Ensure, ask customer to confirm the amount, whether that amount is correct which you have entered in the form. आपका उसमें वैलिडेशन का भी ऑप्शन है, आप कस्टमर का अकाउंट भी वैलिडेट कर सकते हैं, जो बेनिफिशियरी अकाउंट वैलिडेट कर सकते हैं कस्टमर के थ्रू. ऑलवेज टेक कैश वंस ट्रांजैक्शन इज सक्सेसफुल, और ऑल्सो टेक 1% चार्ज अगेंस्ट द ट्रांजैक्शन. सो इफ यू आर डूइंग ट्रांजैक्शन ऑफ 5,000, 50 rupees इज द चार्ज एंड 10 rupees द मिनिमम चार्ज. इफ समबडी इज डूइंग ट्रांजैक्शन ऑफ 100 rupees, देन 1% विल बी 1 rupee, बट यू हैव टू टेक 10 rupees विच इज minimum amount for that transaction. So always take either 1% or rupees 10, whichever is higher. Customer से उसका भी charge ले लें जो transaction successful या pending है, पर उसका status में उसके customer से वो cash भी और charge भी ले लें, क्योंकि अगर pending है तो हो सकता है उसके bank का server down है, वो एक बार थोड़ी देर बाद सक्सेस हो जाता है ऐसे केसेस में, मोस्ट ऑफ द केसेस में. तो चार्ज ले लें और ट्रांजेक्शन थ्रू करें. ट्रांजेक्शन अगर कल को फेल भी जाती है तो जो रिटर्न आता है अमाउंट, वो जो ट्रांजेक्शन चार्ज है और प्रिंसिपल अमाउंट दोनों के साथ वापस आता है, तो वो आप वापस कर सकते हैं कस्टमर को इंक्लूडिंग द चार्ज. इनकेस फाइनल स्टेटस इज फेल्ड फॉर पेंडिंग ट्रांजेक्शन, जनरेट OTP टू गेट द रिफंड. If pending transaction which has happened and you took the money from the customer, but later you got to know that transaction, the status has got changed and you have to refund the amount to the customer, so customer will have to give an OTP which will be generated by you. You will generate an OTP against the transaction that will come to remitter mobile. He will give you the OTP, you will enter the OTP in the form, and post successful authentication of the OTP, amount will be transferred into your wallet and you can give cash to the customer. So that is how the architecture has been built. What you should not do while doing transaction, never return cash to remitter if transaction is pending or time out. Sometimes it gets successful. For pending, mostly it gets successful. In case of time out, it will be mostly fail, but sometimes it also gets successful. So depending upon bank's response and servers of both the bank, like our bank and customer's bank, response may change. So please keep that in mind and take the money from the customer. And once it is failed, you can always validate OTP and refund it back. Do not overcharge the remitter. Kabhi jo 1% hai, usse zyada paise na le. Aap dekhenge market mein और भी प्लेयर्स हैं, आप लेंगे तो फिर लोग आपके यहाँ नहीं दूसरे यहाँ जाएंगे, तो उसका प्लीज ध्यान रखें. ट्रांजैक्शन रिसीव कस्टमर को जैसे बाकी ट्रांजैक्शन में है वो दें. 1% ट्रांजैक्शन चार्ज जरूर कलेक्ट करें, हम नहीं पे करते, कस्टमर से ही इसके जो ट्रांजैक्शन जो प्रिंसिपल अमाउंट चार्ज लेना होता है. कभी भी OTP वैलिडेशन के बिना कस्टमर को रिफंड ना करें, और कभी अगर ट्रांजैक्शन फेल हुआ DMT का आपको क्लियर मैसेज आ गया है तो कस्टमर से कैश ना लें. टॉपअप का बताया था आपको पिछली बार भी, टॉपअप अभी चल रहा है, बहुत स्मूथली चल रहा है, काफ़ी ट्रांजेक्शन होती हैं हमारे पास जो DigiPay के थ्रू वॉलेट टॉपअप होता है, तो इसका आप बेनिफिट उठाएं, इसके फ़ायदा उठाएं और यूज़ करें DigiPay प्लेटफॉर्म टू टॉप अप योर डिजिटल सेवा पोर्टल, एंड दिस विल बेनिफिट यू इन अ सेंस दैट यू विल बी एबल टू नो सेव योर टाइम and the fee you pay in depositing money into your bank account. Also, you will save your travel time to the bank, and some places there are a lot of issue of theft, robbery, so you will also safeguard yourself from such things. Failure rate is very low in this case. In case you don't get the response in a day at the back end, if we have got your response done, your wallet has been debited, we at the back end mark it successful and top up your wallet. So negligible in that case is failure in that case is very negligible, and almost there is no failure in the system.
सो दीज आर टेक्निकल इश्यूज। इसका हम लोग ये पीपीटी अपने वेबसाइट पे अपलोड कर देंगे, इसका आप रेफरेंस लेके आप कर सकते हैं। जैसे ये रिक्वेस्ट हेडर फॉर्मेट में क्या करना है, अनेबल टू रीच सर्विस एंड सर्विस अनअवेलेबल ये क्यों आता है, ये इसका आप जानकारी आप पोर्टल पे ये पीपीटी हम अपलोड कर देंगे और आप देख सकते हैं। ये अभी भी ये वीडियो भी आप देख सकते हैं हमने फेसबुक पे, क्योंकि हमने होल्ड किया हुआ है, आप चाहें तो इसका रीड कर सकते हैं। अगर कुछ ऐसा आता है एट्रीब्यूट ट्रांजेक्शन ऑफ टैग ऑफ नॉट इन करेक्ट फॉर्मेट तो ये क्यों आता है ये भी लिखा हुआ, और इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, इनवैलिड पीआईडी ऑप्शन इन ऑप्शन इनपुट एक्सएमएल शुड स्ट्रिक्टली अडेयर टू स्पेक्स, ये कुछ कुछ चीजें इसमें क्या करना चाहिए ये भी आपका यहाँ लिखा हुआ है। आप इसका रेफरेंस लेके आप खुद भी कर सकते हैं, आप हमसे ज्यादा टेक सेवी है, आप लोग काम करते हैं डेली आप सिस्टम में, आप अपने कस्टमर्स को सिस्टम के थ्रू करते हैं, बहुत सारी सेटिंग्स होती हैं सर्विसेज की, तो आपको अच्छी खासी जानकारी है इसमें। आप उसमें क्या करना है ये गाइड है यहाँ पे, आप इसको रेफर करके आप अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर सकते हैं, आपको किसी अतिरिक्त किसी एडिशनल सपोर्ट की जरूरत नहीं होगी। डूज एंड डोंट्स में जैसा पिछली बार बताया था हमने, अपना सैनिटाइज करके रखे, सेंटर साफ सुथरा रखे, उसका लुक ठीक रहे, ब्रांडिंग होनी चाहिए सभी सेंटर्स पे, सीएससी पे पॉइंट वाली, ये जो बैनर है आपने स्टेट टीम से या अपने डिस्ट्रिक्ट टीम से ले लें, ये बैनर लगाएं सो दैट लोगों को पता हो कि आपके यहाँ सर्विस अवेलेबल है, जो बैनर हमने शुरू में दिखाया था। एंड डू नेवर आस्क कस्टमर्स आधार और वीआईडी, आस्क कस्टमर टू शेयर विच एवर दे आर कंफर्टेबल विथ एंड ओनली टेक नंबर, डोंट टेक देयर आधार कंप्लीटली एट योर एंड, डोंट टेक कॉपी ऑफ दैट, सो प्लीज अवॉइड सच प्रैक्टिसेस। आस्क कस्टमर शेयर बैंक नेम वेयर इज आधार इज लिंक्ड विथ अकाउंट, सो कस्टमर शुड नो इट अदरवाइज देयर विल बी फेलियर ऑफ द ट्रांजेक्शन। वन मोर इंफॉर्मेशन आई वुड लाइक टू गिव यू दैट द लास्ट अपडेशन लास्ट सीडिंग ऑफ द बैंक अकाउंट विल बी द अकाउंट वेयर कस्टमर कैन डू ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन रिसीप्ट भी जरूर दें कस्टमर को, उसको भी सेटिस्फेक्शन होता है कस्टमर को और आपको भी डिस्प्यूट से यू कैन सेव योरसेल्फ। तो जब आप कैश देते हैं तो आप इंश्योर करें कि कस्टमर का सारा डिटेल ट्रांजैक्शन डिटेल आपने रख लिया है और कस्टमर से सिग्नेचर ले लिया है कि उसने आपको उसको उसका कैश मिल गया है, ये आपको इससे बचाने में हेल्प करेगा। कई डिस्प्यूट होता है जैसा मैं बार बार बता रहा हूँ, डिस्प्यूट हैंडल करने के लिए आपको कुछ चीजें करनी चाहिए ताकि आपसे कोई रिकवरी का कोई सिनेरियो क्रिएट ना हो। अपना बैंक सही बैंक डिटेल अपडेट करें डिजी डिजिटल सेवा पोर्टल पे, जिसमें अगर इन केस आपको जो एग्जिस्टिंग बैंक डिटेल है उसमें पेमेंट नहीं आ रही प्रॉपरली या बार बार बाउंस बैक हो जाती है, तो उस केस में आप जो बैंक अकाउंट आपका कोई दूसरा है उसको लिंक करें डिजिटल सेवा पोर्टल में। एक चीज और ध्यान रखें कि ये जो अकाउंट हो करंट अकाउंट हो, और बैंक्स में जरूर बात करें कि आप बीसी हैं सर्टिफिकेट लेके स्टेट टीम से, अगर बैंक वेवर कर देता है तो एज अ बीसी अकाउंट खोलें और 194N जो टीडीएस का करता है उसका भी वेवर ले लें। इसके अलावा अभी अपना अगर जो 194N का जो इश्यू आता है उससे बचने के लिए अपना ITR जरूर फाइल करें, तो आप 1 करोड़ रुपए तक का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं विदाउट एनी सच रेगुलेटरी ये कंप्लायंस। सो इफ यू हैव फाइल्ड योर लास्ट 3 इयर्स ITR यू विल बी सेफ गार्डेड बाई 194N इम्प्लीकेशन। आप आईरिस स्कैनर यूज करें बेटर ऑथेंटिकेशन के जैसा आपने हमें बताया, और ब्रांडिंग अपने सेंटर पे जरूर लगाएं जैसा कि हमने ब्रांडिंग अभी शेयर किया है, आयरिस भी लगाएं, पिन पैड लगाएं और प्रिंटर रखें जिससे कि आप लोगों को प्रिंटआउट भी देख सके ट्रांजेक्शन, तो एक कंप्लीट सेटअप होगा, एक प्रॉपर फाइनेंशियल एक्सेस पॉइंट जहाँ पे एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, एक स्टैंडर्ड वे ऑफ डूइंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, एंड पीपल विल ऑल्सो लाइक दैट एक्सपीरियंस। सो फॉर दैट कस्टमर एक्सपीरियंस बहुत जरूरी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कस्टमर का एक्सपीरियंस अच्छा है तो बार बार आपके यहाँ ही आएगा,
भले कुछ लोग और आए, कुछ भी उनको बोले, पर एक बार एक्सपीरियंस होने के बाद, अच्छा एक्सपीरियंस है, तो लोग आपको किस चीज के लिए पे करने के लिए भी मना नहीं करते, उनको बुरा नहीं लगता। तो इसलिए जब आप कस्टमर एक्सपीरियंस अच्छा करेंगे, तो और भी जो सर्विसेज हम लेके आएंगे उसमें आपको बेनिफिट ही मिलेगा। आपको क्या नहीं करना है, कस्टमर की पर्सनल डिटेल उसकी कंसेंट के बिना नहीं लेनी है, कैश बिना सक्सेस मैसेज के, बिना कैश उसको वापस नहीं करना है विड्रॉल की ट्रांजैक्शंस में, डिपॉजिट में बिना सक्सेस रिस्पॉन्स के आपको डिपॉजिट नहीं लेना है, पेंडिंग क्या लगा तो आपको लेना है, पर अगर फेल्ड आता है तो डिपॉजिट का कैश नहीं लेना है कस्टमर से। इन केस ऑफ डिपॉजिट, जब तक आपको रिफंड लेजर नहीं है, आप रिफंड ना करें। डीएमटी ट्रांजैक्शन में विदाउट ओटीपी वैलिडेशन कस्टमर को वापस ना करें पैसे, और अगर ट्रांजैक्शन फेल कंप्लीट, आपको क्लियर मैसेज आ जाएगा डीएमटी में, तो कैश कस्टमर से ना लें। नेक्स्ट, तो बेस्ट प्रैक्टिस है जैसा कि मैंने बताया, बेसिकली जो हम लोग बता ही रहते हैं कि एक सेंटर को एक स्टैंडर्डाइज इसमें हम लोग करना चाहते हैं, जितने भी डीजीपे सेंटर्स हैं उनको एक स्टैंडर्डाइज, उसमें सीएससी पे पॉइंट बोलेंगे हम लोग, और एक स्टैंडर्ड बोर्ड होगा सबके पास। एईपीएस ट्रांजेक्शन के लिए बायोमेट्रिक तो होता ही है, आयरिस भी हो एज अ बैकअप, अगर किसी का ट्रांजेक्शन नहीं हो पा रहा है, फिंगरप्रिंट उसका मिनिशियर जो है वो मिट गया है, फेड हो गया है, तो यू कैन ऑलवेज यूज आयरिस। एंड इन केस द एपीएस इज नॉट वर्किंग, देयर इज सम इश्यू विद कस्टमर्स बैंक, इन दैट केस माइक्रो एटीएम इज अनदर ऑप्शन वेयर इन यू कैन डू ट्रांजेक्शन यूजिंग डेबिट कार्ड ऑफ द कस्टमर। तो ये चीजें रखें। इसके अलावा जो कैश आपके आता है, और भी जो सर्विसेज, इंश्योरेंस प्रीमियम कलेक्ट करते हैं आप, बिजली का बिल जमा करते हैं, बहुत सारी ऐसी सर्विसेज हैं जिसमें आपका कैश इनफ्लो होता है, उस कैश को बैंक में जमा करने की बजाय उस कैश को आप डिसबर्समेंट करें लोगों को, और वो कैश आपके अपने आप अकाउंट में आ जाएगा, और अपने आप अकाउंट में आ जाएगा तो आप उसको, उससे वॉलेट टॉपअप कर सकते हैं, उससे और भी पेमेंट कर सकते हैं, उसका बहुत सारे यूटिलाइज करते हैं बहुत तरीके से। तो उसका कैश इस्तेमाल, जो मैंने आपको बताया, जो टेलर मशीन की तरह इस्तेमाल कर, जो कैश आए उसको बांटें, आपको ब्रांच नहीं जाना पड़ेगा कैश निकालने के लिए, आपको जो पेमेंट होती है डिपॉजिट करने की वो नहीं करनी पड़ेगी, आपका टाइम बचेगा, आप रॉबरी जो होती है, थेफ्ट जो होता है, इससे भी अपने आप को सेफ गार्ड कर पाएंगे। तो ब्रांड बेस्ड प्रैक्टिस में कैसे होता है, ब्रांडिंग बताया, सर्विस आप अच्छी दें, एम्बियंस एक अच्छा लोगों को दें, लोगों को एक अच्छा एटमोसफियर मिलता है आपके सेंटर में, उनको एक पॉजिटिव फीलिंग आती है, तो बार बार आपके सेंटर में आएंगे, आपकी बातों पर ट्रस्ट भी करेंगे। डिजिटल सेवा पोर्टल का रिचार्ज, आप जो डीजीपे का बैलेंस है, आप डिजिटल सेवा पोर्टल पर भी काम करते थे, बिजली का बिल जब जमा होता है तो आपको बार बार रिचार्ज करना पड़ता है, तो आप वो डिसबर्समेंट करेंगे, जो पैसा है उससे डिजिटल सेवा पोर्टल रिचार्ज करके बिजली का बिल जमा कर सकते हैं, या और कोई सर्विस जिसमें कैश इनफ्लो होता है, जिसमें आपका वॉलेट डेबिट होता है, उस केस में आप इसका डीजीपे का अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। रिलेशनशिप आप थोड़ा बिल्ड करें, लोकल ब्रांचेस से रिक्वेस्ट करें, आप अपना चाहें तो स्टेटमेंट दे दें कि मैंने इतनी ट्रांजैक्शन करी है, ब्रांच मैनेजर को एश्योर करें कि आप ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे मनी लॉन्ड्रिंग और इस तरह का कोई सस्पिशन हो, तो उसमें हो सकता है बैंक आपको कंडीशनली आपको वेवर दे दे, जिसमें कि आप ट्रांजेक्शन की अपनी जो डिटेल हर महीने सबमिट करेंगे ऑथराइज करा के। तो इन सब बहुत सारे वेरीज ने किया, उनको वेवर मिला हुआ है, ट्रांजेक्शन करते हैं, 1-1 करोड़ रुपए की ट्रांजेक्शन हमारे सेंटर में करते हैं, डीजीपे में करते हैं महीने में, जैसा कि भारे एक वेली हमारे यूपी कुशीनगर से, भानु प्रताप जी, वो हर महीने 1 करोड़ की ट्रांजैक्शन करते हैं। ऐसे हमारे एक वेली हैं बिलासपुर में जो 50 से 80 लाख की ट्रांजैक्शन करते हैं, एक हमारी एसएचजी मेंबर हैं, हमारी डीजीपे सखी हैं, वो भी ट्रांजैक्शन, उन्होंने पहले ही महीने में उन्होंने 50 लाख की ट्रांजैक्शन कर दी, उनके कस्टमर्स को भी बहुत अच्छा लगा एक्सपीरियंस, उनको खुद भी बड़ा मजा आया, नई चीज थी उनका, एक उसे लाइवलीहुड जनरेट हुआ। तो लोकल ब्रांच में आपके रिलेशन से आपको कैश अवेलेबल हो सकता है, ब्रांच को भी आप बोले कि हम आपको सपोर्ट करेंगे, जैसे भी हो सकता है, तो इस तरह आप अपना रिलेशनशिप बिल्ड करके आप ये कैश अवेलेबिलिटी, कैश मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच टू ऑल आर व्यूअर्स हु हैड बीन देयर विद अस,
I know there have been some disruption. Despite that, you had been with us, you have been working with us, you trusted us. So on behalf of entire organization, I'm very thankful to all of you, and we'll keep meeting this way. If possible, we'll also meet physically sometime someday. But have trust on us, and whatever issues which are there, we are trying our best to resolve those. And the recent challenges which are there will be resolved by this weekend. Thank you for bearing with us.